नेपानगर में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी प्रत्याशी के बाद अब कांग्रेस रामकिशन पटेल को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा है। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार रामकिशन पटेल कार्यकर्ताओं के साथ चूनाभट्टा क्षेत्र में जनसंपर्क करने पहुंचे थे। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता वार्ड में घुसने लगे, रहवासियों ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। युवाओं और महिलाओं ने उन्हें जमकर लताड़ लगाते हुए खूब खरी खोटी सुनाई, यहां तक कि उन्हें गली में घुसने तक नहीं दिया। कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल और कार्यकर्ता महिलाओं और युवाओं के आगे गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उनकी एक न सुनी और उन्हें उल्टे पैर लौटना पड़ा। ये दुनिया के प्रधानमंत्री मकान बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले चुनाव के पहले क्यों नहीं आया? आप 6 महीने पहले आए थे बात करने, आपको मालूम है कि चुनाव होने वाले हैं। क्या मालूम, गद्दारी करी उन्हें मालूम है? 2.5 महीने पहले हमने सारी करी है। आप भी मिल नहीं सकते, अरे से तो वोट मांगने आ रहे हो, वोट मांगने आ रहे हो। हम हमारी सफाई रखे क्या? समझो हमारी सफाई रखे क्या? सफाई को मौका देंगे, महिलाओं को सफाई देते हैं।